फाड़ो 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 तुम्हारी करतूत तय फाड़ो काय नहीं फाड़ रही हो अब नहीं फाड़ो भी हम जा रहे उड़ाने इसको फाड़ो कैद हो रहा सब दिखाएंगे सबको काहे छोड़ के जा रही लो फाड़ो लो 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 ये लो भी मुड़ा लेंगे देख रहे जी अभी भी उड़ा लेंगे अभी भी उड़ा लेंगे पहन लो ये पतंग फाड़ दी। हेलो दोस्तों कैसे हो। नवाबी शौक में हम लोग आज फिर मिले हैं। दोस्तों देखा होगा आपने कैसे मेरी जर्मन शेफर्ड ने पतंग फाड़ दी। दोस्तों बहुत लोग की क्वेरी थी कि पतंग सही करना दिखाएं करने वाला दिखाएं, तो आज का वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा आज का, क्योंकि आज ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, सीधे काम पर आऊँगा। और एक्चुअली क्या है, लोग आपने देखे होंगे वीडियोस डालते हैं, पहले वो पतंग उड़ा के देखते हैं, फिर वो चेक करते हैं, फिर वो किधर भाग रही है, तब वो सही करते हैं। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ क्या है, एक ही बार मैं पतंग उड़ा पाता हूँ। अगर वो अच्छी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं उतारूँगा तो मेरी जर्मन शेफर्ड उसको पा जाती है और फाड़ देती है। और वो ये नहीं देखती कि आप 16 रुपए की पतंग उड़ा रहे हो या 22 रुपए की उड़ा रहे हो या 5 रुपए की उड़ा रहे हो। और दोस्तों मैं उससे फड़वा भी लेता हूँ पतंग, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक तो मेरे दिल के बहुत ख़ास है वो, और सिर्फ मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती है। जब मैं छत पे आऊँगा उसको हर चीज़ मेरी पता है। मैं पानी की बोतल उठा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं छत पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अगर बैठा हूँ, मैं अगर उसकी तरफ घर जो मेरा ऊपर कमरा बना है उसकी तरफ मैं चला, तो उसको पता है कि पतंग लेने जा रहे हैं, वो उठ के तुरंत तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अगर कोई इतना एफर्ट कर रहा है तो एक दो पतंग फड़वाने में मुझे कोई अफसोस नहीं होता उससे, तो इसलिए मैं फड़वा भी लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था जो इसके पीछे की एक्चुअली क्या है, इसने भी मुझे क्या सिखाया है जो मेरी जर्मन शेफर्ड की वजह से। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मजबूरी में सीखना चाहें तो बहुत अच्छी रहती है। अभी आगे भी वीडियो आएगा तब मैं आपको और बताऊंगा कि मैंने मजबूरी में क्या क्या सीखा है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे बारे में नहीं जानते, बहुत से क्या सभी जितने भी हैं मेरे दोस्त वो मेरे बारे में तो जानते नहीं है कुछ। तो मैं कभी आपको बताऊंगा तो आप जानेंगे कि मेरी लाइफ कितने स्ट्रगल्स में रही है, और मैंने हर स्ट्रगल में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी है, मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। तो ये भी उसी में का हिस्सा है कि अगर मैं एक बार उड़ाता हूँ पतंग तो अगर वापस उतार के उसको सही करने चलूँगा तो अगर 4 बार पतंग उड़ाऊँगा तो उसमें 3 ही पतंग बचेगी मेरी, एक तो फाड़ी देगी। तो मैं पहले ही पतंग चेक कर लेता हूँ, उसको पहले ही ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद उड़ाता हूँ। आप मानेंगे नहीं, मैं अगर मैंने 20 पतंगें उड़ाई हैं तो 19 पतंग एकदम सही चलती है। जी हाँ, मैं पहले ही चेक करके पहले ही उसको सही कर लेता हूँ, उसके बाद उड़ाता हूँ। और अधिकतर केस में, मतलब अधिकतर क्या, 99% जो मैंने किया है वो एकदम सही जाता है। क्योंकि ओवरऑल आप जब पतंग ख़रीदते हैं तो भी आप चेक करते हैं, तो अगर दोनों तरफ बराबर है तभी आप कहते हैं अच्छी पतंग है। तो मैं भी जब लेके आता हूँ, अगर आप जैसे 4 पतंग लेने जाओ तो आप चेक कर लोगे, लेकिन 100-200 पतंग के लोगे तो चेक तो नहीं कर पाओगे। और बहुत लोग जो कह रहे थे बीकानेर वाला सामान कूड़ा होता है, ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बीकानेर की पतंग ही है। मैं नॉर्मली बीकानेर वाली पतंगें ही उड़ाता हूँ, क्योंकि वो 7 रुपए की अद्दी थी और छत से उड़ाने के लिए मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। और 100 पतंगें मंगाई हैं मैंने, अगर उसमें से 20 को सही भी करना पड़ रहा है या 50 को भी सही करना पड़ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सीखिए मेरे साथ कैसे सही किया जाता है, और
फिर हम लोग आपको आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी पतंगे, देखिए ये साइज़ है अद्धी, मैंने जो बीकानेर से ली थी, ये जो 7 रुपए की पड़ी है, बताइए क्या बुरी है, लोग कहते हैं ख़राब है। देखिए आप लोग सब लोग, ये थोड़ी फटी है, इसको बाद में निकालते हैं। देखिए ये पतंग आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअली क्या है, जब मैं ऐसे कर रहा हूँ देख पा रहे, जब मैं यूँ कर रहा हूँ तो इस तरफ का हिस्सा उठा हुआ है, इस तरफ का दबा हुआ है, शायद इसमें ना समझ में आए कि मैं इसको लेके आया था। ये पतंग देखिए आप, दिख रहा है इसका ये साइड थोड़ा दबा हुआ है, ये साइड उठा हुआ है, देख सकते होंगे। चलिए आप लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप जब भी पतंग खरीदेंगे या उड़ाने चलते हैं तो देख लीजिए आप क्या है, ये एक साइड थोड़ा सा दबा हुआ है, जब आप चेक कर रहे हैं तो भी ये चीज़ आ रही है कि इस साइड थोड़ा सा बेंड है, ये साइड उठा हुआ है, ठीक है। अब आपको पतंग सही कैसे करनी होती है, देखिए ये आपने देखा इधर उठा हुआ है इधर बेंड है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको इसके बराबर करना है, ये चीज़ जो उठी हुई है इसको भी हमको उठा के उतरे पे ले जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है, ये डंडी पकड़ी, ये पकड़ी, ठीक। इसको हम लोग धीमे धीमे ऊपर करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। ये देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ से करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। हल्का सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से करेंगे ऐसे, ठीक। ये देखिए अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे है, अब क्या करेंगे, हल्का सा ये ये ये, ये बराबर होगी दोस्तों। ये जो पतंग पहले इधर से दबी थी अब इधर से उठी थी, अब क्या है ये भी उठ गया है, ये भी उठ गया। हम लोग जब यूं कर रहे हैं पतंग को, जैसे आप लोग चेक करते हैं तो दोनों हिस्सा बराबर है, देखिए दोस्तों। एक और पतंग लाया हूँ मैं, वो दिख रहा है, ये पतंग इस तरफ से बेंड है, इधर से बेंड है, इधर से उठी हुई है, इधर से बेंड है, इधर से उठी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठा के इसके जब हम यूं करें तो ये चीज़ भी इसके बराबर आनी चाहिए। अब ये बेंड है इधर से, यहाँ से बेंड है, लोग क्या करेंगे इसको हल्का हल्का पुश करेंगे ऊपर, हल्का हल्का, ज़्यादा मत करिएगा दोस्त टूट जाएगी, हल्का हल्का यूं प्रेस करेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथ से, ठीक, हल्का हल्का सब पुश करेंगे। अभी भी नहीं आई, हल्का सा बच्चा, बहुत हल्का सा, सही हो गई दोस्तों। पहले ये देखिए यहां पे हल्का सा आपको उठा हुआ दिखेगा, देख रहे हैं ये होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ पन्ने बनना, इसी पतंग में दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा साफ दिख रही है ना, दोस्तों जब भी छेद करें किसी ना किसी डंडी से करें ताकि पतंग ज़्यादा ना फटे।
देखिए ये, आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से चाहिए उधर से कर लीजिए। ठीक, दो छेद ही होगा। अब आप एक हाथ नापिए, चौड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों एक चीज़ और है, अगर हवा बहुत तेज़ है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो आप इसको थोड़ा छोटा भी बांध सकते हो यहाँ तक, ठीक है। और हवा अगर नॉर्मल चल रही है 8, 9, 7, 6, 10 के अंदर स्पीड पे, तो ये सबसे अच्छा करना रहता है, ठीक है। और हवा अगर बिल्कुल नहीं चल रही तो आप बात ही छोड़ दिए, पतंग टूटेगी नहीं जल्दी। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी ये अद्धी है, ठीक है, कोई आपसे लड़ा रहा है पौने से और आपकी पतंग हमेशा काट दे रहा है, आपके पास अद्धी है, निराश ना होइए। करना क्या आपको, ये जो आपने एक हाथ नापा है ना, एक हाथ छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ बांधिए करना, ठीक है, ये पट्टी देख रहे हैं, पट्टी से थोड़ा सा नीचे यहाँ बांधिए करना, ठीक। तो क्या होगा, हमारी पतंग भारी हो जाएगी। अब जब पतंग भारी हो गई तो पौना क्या होता है, पौना भारी होता है। अब हमारी पतंग भी भारी हो गई तो क्या होगा, अब हम टक्कर का पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसके कन्ने, कन्ने को हमेशा इतना डबल करके, ठीक, यहाँ बना लीजिए गाठी, देखिए दोस्तों हमको भी इतना नहीं पता था ज़्यादा, ये तो नॉर्मल करने सब लोग मानते हैं, लेकिन मैंने भी एक लोग से सीखा, मैदानी जो लड़ाते हैं, कि हम लोग को इसको डबल कर लेना चाहिए, मतलब कि एक बार फिर से डाल लेना चाहिए। उससे क्या होता है, ये जो लकड़ी है ना ऊपर वाली, ये हिलती नहीं है, और जब ये हिलती नहीं है तो आपके इशारों पर ना चाहिए पतंग, आप कितनी बढ़िया पतंग उड़ा लें, अगर ये चीज़ हिलेगी तो आपके इशारों पे नहीं चलेगी पतंग। पतंग का मतलब ये कि आपके इशारे पे चलनी चाहिए। देखिए ये पन्ने बन गए, ये देखिए, देख रहे हैं, जरा सा भी नहीं हिल रहा, देख रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसे आप पीछे की तरफ भी करके राठी बांध लीजिए। राठी बांधने से सबसे सही रहता है कि ये जो फालतू की मेहनत नहीं होती, कि एक बार डबल किए और पता चला उसका मुदा चला गया, तो आप लोग को ज़बरदस्ती मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में करने बन जाए, इसलिए ये चीज़ करी जाती है। नॉर्मली आप इस छेद से डालो, छेद से निकाल के इधर डालो और ये करके करने वाले हो। अब देखिए ये जो करने होते हैं, इसको बांधने के बहुत तरीके हैं मार्केट में, आप साधारण तरीका पकड़ो, इसको करो एकदम बराबर, ये है एकदम बराबर, ठीक। आप थोड़ा सा छोड़ो, पीछे वाली डोर थोड़ी छोड़ो और आगे की तरफ इसका मुंह कर दो, ये देखा, हल्का सा आगे की तरफ बेंड है, ये ज़्यादा हो गया, हल्का सा आगे तरफ बेंड करिए, इसका मुंह थोड़ा छोटा करिए, फिर चेक करिए, ये देखिए हल्का सा आगे की तरफ बेंड है, ये हम दीजिए, ये आपकी पतंग तैयार। देख इसमें बांध दिए रील अपनी और उड़ा डालिए। क्या दोस्तों टेपिंग भी करूं, चलो 2 मिनट। देखिए टेपिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है
हड्डी वाले सरफेस को अपनी तरफ रखिए, ठीक। ये हो गया, क्या करिए, यूँ पकड़िए, कोशिश करिए कि हम लोग क्रॉस में मारें जहाँ पे शुरू हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो शुरू होता है यहाँ पे इसका मुंह आना चाहिए, मतलब कि यूँ करा हमने, ठीक। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना सा टेप आया, क्या करना है आपको, इसको बेंड कर देना, ठीक। ये देखिए ऐसे इधर भी करिए, देखिए देखने में भी साफ सुथरी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बड़ा सा और लीजिए, इसको एक थोड़ा सा बड़ा एक छोटा, ये बड़ा वाला हिस्सा को बांधना है इसकी सर पे, इसको कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं चेपी, बहुत लोग कहते हैं बिंदिया, मांग पता निकाल का लिया, बहुत सारे वर्ड हैं। इसको यूं करके बांध दिए, जो बचा वाला हिस्सा है इसको यूं लपेट दीजिए, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है इसको बांधना है, या तो आप इसके ऊपर बांध दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं अधिकतर यहाँ बांधता हूँ, सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका ये। दोस्तों इसका तरीका, इसका मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह यहाँ बांधने की होती है। मान लीजिए किसी दिन आपने पेज बहुत सारे काटे, ठीक है। अगर आप बहुत सारे पेज काटोगे तो क्या होता है कि ये जो है खिंच के नीचे जाता जाता है, जैसे जितनी देर उड़ाओगे फटती रहती पतंग नीचे आती रहती। नीचे आने की वजह से क्या होता है, जो ये आपने बैलेंस किया है ना, ये गड़बड़ा जाता है। दूसरी चीज़, ये अगर लकड़ी से घिसेगा नीचे आता जाएगा, कटने टूटने के बहुत ज़्यादा वो रहते रीज़न। इसीलिए अधिकतर लोग जो इस पर टेप नहीं बांधते हैं, वो देखेंगे वो अगर थोड़ी देर पतंग उड़ा लेते हैं तो उनके कन्ने कट जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं, फिर वो एक पतंग के सहारे उड़ाते हैं। और यही वजह होती है ये वाले कन्ना टूटने की, ऊपर वाला। आप लोग अगर ढीला बांधोगे इसको तो ये घिसता रहेगा धीमे धीमे, जब घिसता रहेगा तो ये एक दिन एक समय में टूट जाएगा। इसीलिए लोग की यहाँ से टूटती है, जो यहाँ से ढीला बांधते हैं ऊपर से, और यहाँ से टूटता है क्योंकि वो टेप नहीं बांधते। शेरू दरा, ए शेरू दरा, देखिए इनको देखिए, पतंग की बात चल रही है तो ये भी आ गई। ये लो देख रहे हैं, अब नहीं फाड़ेगी, लो फाड़ लो, देख रहे हैं अब नहीं फाड़ेगी। ये फाड़ती कब है, जब मैं उड़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है, ये इमरजेंसी टेपिंग है जो आपको नॉर्मल जब पतंग उड़ाते हैं तो करनी चाहिए बस। इसके अलावा बहुत तेज़ हवा चल रही है, 10 के ऊपर 15 20 के ऊपर आप बहुत लंबे पिच उड़ा रहे हो, तो आप यहाँ बांध लो, बहुत लोग यहाँ पे बांधते हैं, ये बांधते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोग चिमटाने के शौकीन हो, पतंग चिमटाना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर चिमटाने के शौकीन हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेप लगाइए आप इतनी दूर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, जी इस एरिया में पूरा, यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में पूरा टेपिंग होनी चाहिए आपकी, और तब आप चिमटाइए पतंग। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा जब भी आप चिमटाने चलते हैं पतंग यहाँ से फट जाती है या यहाँ से फट जाएगी, तो ऐसा कभी ना करिए। अगर आप चिमटाने शौकीन हैं या चिमटाने के लिए आप डबल रील करके, डबल सद्दी करके या डबल टून करके आगे बांध के और पतंग कटती है तो उसको चिमटा रहे हैं, तो आप ये इमरजेंसी टेपिंग ज़रूर कर लीजिए। वरना क्या होगा, जब आप खसीटने लगोगे तो आपकी पतंग घूमेगी और या तो उसकी कट जाएगी या तो आपकी कट जाएगी, तो दोनों की, मतलब जो चिमटाई हुई पतंग है दोनों चली जाएंगी। तो ऐसा कभी ना करिए दोस्तों, और
मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के बीच वीडियो लाने की, पर थोड़ा सा कोरोना का इतना भयंकर कहर चल रहा है इस समय कि इधर उधर जाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच में वीडियो लाऊं। एक आज वीडियो आने वाला था बहुत अच्छा पतंगों का, लेकिन एंड वक्त पे उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं ला वीडियो बना पाए हैं, और मैं जा भी नहीं पाया उनके पास क्योंकि थोड़ा सा कोरोना का डर मुझे भी है। और इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा दूर का सफ़र ना करूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी अपने शोरूम जाना होता है तो मैं वहाँ तो जाता ही हूँ, तो मैं सोचता हूँ इधर बीच आसपास कहीं हूँ तो ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कल मैं जाऊँगा एक जगह, और एक बुज़ुर्ग आदमी हैं जिन जो काइट मेकर थे उनसे मिलने भी जाना है। मुझे पतंग भी उठानी है अपनी, रकाबगंज वालों के पास मेरी पतंग आ गई है, और बैग भी मैंने जो उनसे बुक कराया था वो भी लेना है। तो कल अपने सामान के साथ मिलता हूँ, और बाकी ये जो इमरजेंसी चीज़ें थी वो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो ये डंडी होती है, ठीक है, ये डंडी यूँ है देखिए सीधी, अगर ये इधर से उठी है इधर से दबी है, तो आपको क्या करना है, आपको यूँ हाथ करके इसको थोड़ा सा पुश करना ऊपर की तरफ, ताकि ये जब आप यूँ चेक करते हो, जैसे दुकान में जाके यूँ करते हो ना, तो ये आप डंडी उठाने के बाद यूँ चेक करिए, अगर दोनों बराबर आ गए हैं तो मतलब पतंग ठीक हो गई है। और उसके बाद आप खींच के देखेंगे तो देखिएगा पट 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 सीधी पतंग एकदम चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्जॉय करिए और नवाबी शौक पे बने रहिए। आप लोग को जो भी चीज़ चाहिए मुझसे पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे लोग नए भी जुड़ रहे हैं दोस्तों, आप जितने भी नए हो जो आए हो, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को इस चैनल पे, और कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो बताइएगा। बाकी आज एक दो लोग थे जो मेरे कमेंट पे कल मैंने वीडियो डाला तो बहुत वाहियात कमेंट आया था, हालांकि मैंने उसको क्लिक करा तो लेकिन वो दिख ही नहीं रहा था, फिर गायब हो गया वो। खैर बहुत ही वाहियात उसने मेरी शक्ल के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया था, तो हमने कहा चलिए भैया ठीक है, अब मुझे मेरी शक्ल किसी को नहीं अच्छी लग रही तो मैं नहीं कह सकता ना भाई, अब मेरी शक्ल तो भगवान ने बनाई है, थोड़ा सा मैंने बिगाड़ दिया उसको चेहरा मोटा करके, लेकिन फिर भी अब जैसा हूँ वैसे ही आपके बीच आऊँगा। कोई मेकअप तो करता नहीं हूँ ना, ऐसे आऊँगा गोल पिचका के, तो जैसे हूँ वैसे ही आऊँगा। और बाकी कभी समय मिलेगा जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं अपने बारे में तो थोड़ा बहुत कुछ बताऊँगा, बाकी आप लोग वेट करिएगा, एक स्पेशल मैसेज ज़रूर आएगा, स्पेशल मैसेज भी होगा वीडियो भी आएगा रक्षाबंधन पे। तो मेरे दोस्तों और प्लीज़ आइए, सब लोग आइए तो हम लोग एक बड़ी फैमिली बन पाएँ, ताकि हम लोग 15 अगस्त के दिन देखते हैं अगर पतंगें खूब उड़ेंगी तो मैं लाइव आके लाइव पतंगबाजी करूँगा 15 अगस्त के दिन। तो आप लोग जब भी पतंग उड़ाने जाइएगा तो अपना मोबाइल लेके जाइएगा, और मैं आपको बता दूँगा पहले ही 2-3 घंटे पहले या सुबह बता दूँगा कि मैं आज लाइव आऊँगा कि नहीं आऊँगा पतंगबाजी में, तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। Now I'll be shocked. दोस्तों इस चीज़ की डिटेल दे दूं कि मेरा जो अपोनेंट है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, और मेरी पतंग ऊपर की है, और वो नीचे से खींचेगा, मैं अपने ऊपर से नीचे की तरफ खींचूंगा, वो भी राइट साइड में तिरछा एक पेज मारूंगा, देखिए कैसे उसकी कट गई। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, जब भी कोई आपको नीचे से खींच रहा आप तिरछे में खींचिए, हवा के डायरेक्शन में पहली चीज़ होनी चाहिए आपकी पतंग, दूसरी चीज़ नीचे के एंगल में एंगल होना चाहिए, जैसे राइट साइड को मैंने एंगल मारा क्योंकि हवा राइट साइड की थी। तो आप लोग ये ध्यान रखिए और हमेशा पेज काटेंगे।